हेलो एवरीवन वेलकम टू वर्ल्ड एजुकेशन एकेडमी कैसे हैं आप सभी आपके लिए मैं लेकर आया हूँ आज मैथ्स की बड़ी मजेदार ट्रिक जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि किसी भी किसी भी टू डिजिट नंबर का स्क्वायर कैसे निकाले अगर आपको कोई भी टू डिजिट नंबर दिया गया है तो आप उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे इसके लिए बहुत ही ज्यादा इजी ट्रिक में लेकर आए तो इसके लिए एग्जांपल के लिए मैंने एक टू डिजिट नंबर लिया है ट्वेंटी एट आप कोई भी अपनी मर्जी से कोई भी टू डिजिट नंबर ले सकते हैं तो ट्वेंटी का स्क्वायर हम लोग निकालेंगे कैसे तो यहां पे सिर्फ आपको थ्री स्टेप्स को फॉलो करना है ओके थ्री स्टेप्स में आपका पूरा का को पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा सो सबसे पहला स्टेप वन जो आपका रहेगा स्टेप वन आंसर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ओके तो सबसे पहले स्टेप वन जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा कि ये जो आपको एट गिवन है ट्वेंटी एट में जो खाली एट गिवन है आप खाली इसका स्क्वायर निकाल लीजिए आप जानते हैं कि 8 का स्क्वायर क्या होता है वन से लेकर तक आपको याद ही रहते हैं तो एट का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा एट एट दिक्कटी फोर मतलब सिक्सटी फोर क्या हो जाएगा आपका इसका स्क्वायर निकल के आ जाएगा पहला स्टेप हमारा बस हो, हो ही गया समझ लीजिए इसमें से आप क्या करेंगे जो फोर है इसको आंसर में लिख दीजिए ये वाला जो सिक्स है अब ये बचा रहेगा इस फोर को हमने यहां पर लिख दिया है बस आपका अभी बचा हुआ है बचा बचा हुआ है, ध्यान रहे। अभी आपका बचा हुआ है, में क्या करना है। ध्यान रहे, अभी आपका स्टेप आपस में आप तो आप हाँ मल्टीप्लाई मतलब इसकी, 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 कर देंगे जब आप इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा टू uh, एट जा 16 टू जा थर्टी टू आपको मिल जाएगा यहां पे थर्टी टू और ये वाला जो सिक्स अब यहां पे बचा था ना इसको आप यहां लाकर क्या कर देंगे प्लस कर देंगे सिक्स को जब आप इसको प्लस करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा यह या? यानी आपके पास ये हो जाएगा थर्टी एट राइट अब क्या करना होगा अब थर्टी एट में से ये वाला जो एट अब आपका लास्ट बचा है ठीक है इसको आप क्या करेंगे यहां पर एट को आप लिख देंगे अब आपके पास पे थ्री बचा बिल्कुल पहले स्टेप की तरह ठीक है इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा ओके तो अब नेक्स्ट में आपको क्या करना होगा जो आपका ये जो फर्स्ट वाला नंबर था इसका इसका स्क्वायर निकाल लीजिए ओके तो इसका स्क्वायर क्या होता है हमारा फोर होता है क्लियर अब फोर जो आपके पास आंसर आया है तो अब ये जो पहला वाला जो अभी आपने सेकंड स्टेप में जो आपकी डिजिट बची थी उसको आप उठाकर क्या कर देंगे यहाँ पर ले आएंगे और प्लस कर देंगे यानी आपको मिलेगा फोर और थ्री सेवन क्लियर तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा सेवन आ जाएगा इस सेवन ये जो आपके पास सेवन बच जाए यहाँ पे आप क्या कर देंगे इस सेवन को लिख देंगे यही आपका फाइनल आंसर है का। जी हाँ ये आपका ट्वेंटी का आंसर निकल के आ चुका है क्लियर बिल्कुल इजी चीज थी आपकी बिल्कुल सबसे इजी ट्रिक थी आप इसको फॉलो करेंगे तो इजीली किसी भी टू डिजिट नंबर का आप मतलब स्क्वायर स्क्वायर निकाल सकते हैं ओके तो इसी के लिए मैं आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन देता हूँ आप मुझे करके दिखाएंगे ओके होमवर्क के लिए आपका क्वेश्चन दिया जाता है कि आप मुझे थर्टी टू का स्क्वायर निकाल कर देंगे आप इसका मुझे आंस, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ओके आप फटाफट से एक बार फिर से रिकअप करके देख लीजिए कि क्या करना होगा ठीक है ट्वेंटी जो लास्ट वाले डिजिट है पर आप इसका स्क्वायर निकाल लीजिए जो नंबर बचेगा उसको नेक्स्ट में हम लोग भेजेंगे तो अब इसको बचा रहने दीजिए इसकी, इसकी 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 तीनों के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और जो नंबर बचा था उसको आप प्लस कर देंगे थर्टी आया थर्टी में से एट आपने लिख दिया बचा थ्री थ्री को नेक्स्ट वाले में हम लोग भेजेंगे कैसे जो फर्स्ट नंबर आएगा खाली इसका स्क्वायर करेंगे फोर और थ्री ठीक है यानी टू टू सा फोर और ये वाला जो थ्री था इसको प्लस कर देंगे तो सेवन आ जाएगा सेवन को आप यहाँ पे लिख देंगे आंसर आ जाएगा सेवन एट फोर आपका ये आंसर मिलता है होमवर्क के लिए मैंने क्वेश्चन दिया फटाफट फ़ड़ से देख लीजिए थर्टी टू का स्क्वायर आपको निकाल कर मुझे कमेंट में इसका आंसर बताना होगा ओके तो मिलेंगे इसी तरह से हम लोग अपनी न्यू वीडियोस में चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना वीडियोस को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना